दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंगारा और तंबूरा। ये अंगारा ही कॉमिक्स है और सेकंड पार्ट है इसका। पहला पार्ट है अंगारा का अनोखा दुश्मन, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। मेरी प्लेलिस्ट में अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर, तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। चार्ली अंगारा को लेकर राठौर टापू की ओर उड़ा, लेकिन जिब्रालो चिल्ली की कैद में अंगारा द्वीप पर ही था। सुन लो ओ चिल्ली, अगर अंगारा अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ के जानवरों को कभी होश नहीं आएगा। सुन बे जिब्रालो, अगर अंगारा द्वीप के जानवरों को होश नहीं आया तो तुझे भी कभी होश में नहीं आने दूंगा मैं। हम एक न एक दिन पता लगा ही लेंगे कि तूने कौन सी गैस छोड़कर अंगारा द्वीप के जानवरों को बेहोश किया। अफसोस यह कि तू और चार्ली मेरी गैस से बेहोश न हो सके। अबे हम सांस लेने वाले प्राणी नहीं है जो तेरी गैस से बेहोश हो जाए। मुझे तो बड़ी फुर्सत से कमांडो ड्रैगन ने बनाया है, जलाकर राख कर देता हूं मैं, तूफान से उड़ाकर अंतरिक्ष में पहुंचा देता हूं मैं। मगर उसके तंबूरा से तेरी क्या दुश्मनी है? जो जैसे तूने हमें बेहोश किया वैसे उसे बेहोश नहीं कर सकता था क्या? नहीं, उस टापू में कोई कदम भी नहीं रख सकता। तंबूरा एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास एक शिकागी नाम का काला नेवला है। एक नेवले से डरता है तू? तू नहीं जानता चिली, राठो टापू में वह नेवला बहुत सी जादुई शक्तियों का मालिक है। मगर राठो का किस्सा क्या है? मैंने अमरीकी हुकूमत से राठो टापू कौड़ियों के दाम खरीद लिया था और किंग तंबूरा ने उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मैं सोचता था कि उसकी हुकूमत को बेहोशी गैस से सुला दूंगा। मैं 3 हेलीकॉप्टर से लेकर निकला, लेकिन जब मेरा कॉप्टर राठो टापू पर पहुंचा, यह कैसा टापू है? इसके आकाश पर हरी धुंध छाई हुई है, नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। मैंने बाकी 2 कॉप्टर्स को भी हुक्म दिया, हमारे सारे टापू पर गैस फैला दो। तभी मेरे कॉप्टर के विंड स्क्रीन पर एक काला नेवला दिखाई दिया। आए नेवला, नेवला विंड स्क्रीन से आर पार कांच कांच तोड़े बिना कॉप्टर में आ गया। ओ गॉड, यह क्या? शिकागी हमारा नाम, अगर जान पारी है तो अपने बाकी कॉप्टर्स के चालकों को हुक्म दो कि अपना रुख वापसी के लिए मोड़ ले। नेवले को इंसानों की आवाज में बोलते देखकर मैं चौंका। मैंने नेवले को शूट करने के लिए रिवॉल्वर निकाली। अच्छा, यह भी करके देख लो, नेवले को गोली छू भी नहीं पाई। ही, फिर चलाओ। इस बार गोली मेरे पायलट को आ लगी। अब गोली चलाओगे तो खुद तुम्हारी खोपड़ी पर लगेगी, तुम्हारा पायलट मर चुका है। तुम कौन हो? ओह, उसकी जगह संभालो। मैं पायलट सीट पर बैठ गया। अब अपने साथियों को लौट जाने का हुक्म दो। नेवले के खौफ से मैंने वैसा ही किया। सब लौट चलो, सब लौट चलो। और सब भी वापस लौटने लगा। जिब्रालो, फिर कभी इधर का रुख मत करना, तंबूरा किंग मेरा आका है। बस यह है राठों की दास्तान। फिर मुझे पता चला कि केवल अंगारा ही ऐसी हस्ती है जो यह काम कर सकता है। लेकिन तुमने यह ब्लैकमेलिंग का तरीका क्यों अपनाया? मैं 100% जीत का दाव खेलना चाहता था। अगर मैं अंगारा से मदद मांगता तो वह इनकार भी कर सकता था, इसलिए मैंने उसे मजबूर कर दिया कि वह मेरा काम कर दे। इधर चार्ली अंगारा को लेकर राठौर टापू की ओर बढ़ रहा था। तुम मुझे उस महान आत्मा से क्यों नहीं मिलाते जो रात के अंधेरे में भी मुझे एनर्जी दे सकता है? सबर से काम लिया करो चार्ली। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि मैं दिन में सूरज की किरणों से एनर्जी प्राप्त करके सुपरमैन बनता हूं, लेकिन रात को बेकार हो जाता हूं। इसमें मेरी क्या खता? तेरे को बनाने वाले से ही भूल हो गया। अगर तूने मेरे आका पृष्ठुम्बा का खात्मा नहीं किया होता तो वह मेरा रात का भी इंतजाम कर देता। अब तू मुझे कब तक ब्लैकमेल करेगा अंगारा? ब्लैकमेल? और नहीं तो क्या, मान आत्मा के चक्कर में तू अपना काम निकाल रहा है। मैं नहीं जाता तंबूरा से लड़ने। मान जा चार्ली, मुझे पता है सारे अंगारा द्वीप के प्राणी बेहोश पड़े हैं। अगर वे मर गए तो मर जाए, मेरे को क्या, सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं। अंगारा, मेरे को एक आइडिया आया है। क्या? तेरे को यहां से नीचे फेंक देता हूं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अबे क्या उठपटांग सोच रहा है? फिर रात को मुझे न भी मिले एनर्जी मेरे ठेंगे से, मेरा जन्म जन्म का दुश्मन तो मर ही जाएगा। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जय पृष्ठुम बाकी।
स्टालिन ने अंगारा को आकाश से धरती पर फेंक दिया। हा। सत्यानाश हो जाए इसका। अंगारा की किस्मत अच्छी थी कि नीचे एक नदी बह रही थी। नदी तट पर कुछ लोग जमा थे। बचाओ, मगरमच्छ ने मेरी जवान बेटी को पानी में खींच लिया है। अरे आकाश से वह कौन गिर रहा है? अंगारा नदी में आ गिरा। उसका सारा जिस्म कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। मगरमच्छ करीब ही था। यह कौन आया मेरे इलाके में? शायद मुझे मारने आया है। पहले इसी को देखता हूं। मगरमच्छ ने लड़की को छोड़ दिया और अंगारा पर झपटा। और यह तो जानी पहचानी गंध वाला प्राणी है। इसके जिस्म से कुछ प्राणियों की गंध आ रही है। समझा, ऐसा तो एक ही है अंगारा। अंगारा देवता मेरे इलाके में, जय हो। अंगारा देवता की जय हो। मगर ये तो बेहोश है, कुछ गड़बड़ है। मगरमच्छ ने फौरन अंगारा को तट पर निकाला। वो रहा मगरमच्छ। अरे वह किसको बाहर खींच रहा है? लड़की कहाँ है? मार डालो उसे, मार डालो। मगरमच्छ पर पथरा हुआ। ये मार डालेगा मुझे? माफ करना अंगारा देवता, अपनी जान तो बचानी ही है। वह फिर पानी में कूदा। अंगारा को होश आ गया। मैं कहा हूं, आप लोग कौन है? आप आकाश से पानी में गिरे थे, लेकिन मगरमच्छ आपको पानी से निकाल लाया। अरे कोई मेरी लड़की को क्यों नहीं बचाता? मगरमच्छ उसे खा जाएगा। लड़की कहाँ है? लड़की? मगरमच्छ पानी में ले गया है। अंगारा भी पानी में कूद पड़ा। ये पानी के पहलवान, छोड़ दे उस लड़की को। अंगारा देवता, आपका हुक्म सराखों पर। इसे छोड़ देता हूं, मगर मैं भूखा हूं। वेजिटेरियन खाने से काम चलाओ। पानी में बहुत सी जड़ी बूटियां मिल जाएगी। अंगारा लड़की को लेकर बाहर आ गया। ये रही आपकी लड़की, मेरी बेटी। क्या तुमने मगरमच्छ को मार डाला? नहीं, वह किसी पर हमला नहीं करेगा। मैं उसकी आप सबसे दोस्ती कर देता हूं। मगरमच्छ बारा, आज के बाद हर मनुष्य तुम्हारा दोस्त होगा। सबसे हाथ मिलाओ। अंगारा का चमत्कार देखकर सब दंग रह गए। आप कोई फरिश्ता है, जादूगर है, क्या है आप? मैं अंगारा हूं। क्या तुम लोगों ने अंगारा के बारे में कभी कुछ नहीं सुना? अंगारा, अंगारा द्वीप के अंगारा, जानवरों के देवता अंगारा। बच्चे भी खुश हुए, जवान भी खुश, बूढ़े भी खुश। हमारी बस्ती में चलिए, आप हमारे मेहमान हैं। उनकी बस्ती में हम यहाँ रहते हैं। बहुत दिनों से इस मगरमच्छ ने आतंक मचाया हुआ था। जब लड़की को होश आया, क्या मुझे इन्होंने, अंगारा ने बचाया? अंगारा, देखिए मुझे जल्दी अराटो टापू पर पहुंचना है। अराटो तो यहाँ से करीब ही है। अराटो में पैदावार नहीं होती, बस अनाज हम लोग ही उनको बेचते हैं। हमारा एक जाजू ने अनाज और खाने की चीजें लेकर अराटो के तट तक जाता है। किंग तंबूरा के आदमी तट तट पर ही हमें भुगतान करते हैं। वे हमें हीरे देते हैं और हम उनकी जरूरत की चीजें। क्या तुम लोग तट तक जा पाते हो? अराटो में केवल हमारा सरदार तिब्बाई जा सकता है। उसकी किंग तंबूरा से दोस्ती है। फिर मुझे उससे मिलाओ। वे लोग अंगारा को सरदार तिब्बा के पास ले गए। उन्होंने मगरमच्छ वाला सारा किस्सा तिब्बा को बयान किया। ओह, अंगारा द्वीप के प्रधानमंत्री, अंगारा का स्वागत है। मैं किंग तंबूरा से मुलाकात करना चाहता हूं। किंग तंबूरा की इच्छा के बिना मैं किसी को वहां नहीं ले जा सकता। हाँ, मैं आपको तट तक अवश्य ले जा सकता हूं। ठीक है, मुझे वहीं तक ले जाइए। आगे का सफर तो मैं खुद तय कर लूंगा। कल ही कुछ सामान पहुंचाया जाएगा, तब आप मेरे साथ चल सकते हैं। मुझे मंजूर है। उस रात को व्यवस्था यह है कि इस मिशन पर न तो जटायु मेरे साथ है, न व्हेल रानी, वरना मुझे किसी की मदद की आवश्यकता न पड़ती। जिब्रालों ने सबको बेहोश कर दिया है। दूसरे दिन जहाज अराटो टापू जाने निकला। इस समुद्र में एक सफेद व्हेल अक्सर नजर आ जाती है। सफेद व्हेल? हाँ, किंग तंबूरा ने कई बार उसका शिकार करने की कोशिश की, कई बार जाल बिछाए, मगर सफेद व्हेल हाथ नहीं आई। सुना उसके पास एक काला नेवला भी है। वह बड़ा देवी शक्ति वाला नेवला है, सबका देवता। क्या व्हेल को पकड़ने में उस देवता ने कोई मदद नहीं की? किंग तंबूरा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए देवता की मदद नहीं लेता। हाँ, अगर उसे टापू पर कोई संकट आता है तो वह सिगागी की मदद अवश्य लेता है। मेरा अनुमान है कि जानवरों पर, मछलियों पर नेवले का जादू काम नहीं करता होगा। यह भी हो सकता है।
लेकिन वह सफेद बैल का शिकार क्यों करना चाहता है? वह कई बार उसके टापू पर टकरे मारती रहती है। एक बार तो इस बैल ने तट पर बना उसका छोटा हार्बर ही तहस नहस कर डाला। तिब्बा सरदार, तुम उससे यह कहो कि तुम्हारे पास एक आदमी है जो बैल को पकड़ सकता है। क्या? कौन? मैं। क्या सचमुच आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम उसे यह नहीं बताओगे कि भाई वह शख्स अंगारा है। इस तरह तंबूरा की निगाह में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। अरे, इस काम के लिए तो वह 20 बड़े हीरे देने को तैयार है। तो फिर सौदा कर लो। जहाज राटो टापू पर पहुंचा। मैं उसे सौदा करके आता हूं। अगर आपने सफेद बैल पकड़ ली तो 10 हीरे आपके, 10 मेरे। सौदा पक्का। तिब्बा किंग तंबूरा के दरबार में पहुंचा। मैं सफेद बैल को मार गिराने का सौदा करने आया हूं। मेरे पास एक आदमी है जो उसे पकड़ सकता है। वह आदमी कौन है? हम कैसे यकीन करें? आप काम होने के बाद दाम देना। ठीक है। जब तक सफेद बैल पकड़ी नहीं जाती, उस आदमी के यहीं रहने की व्यवस्था कर दी जाए। कर देंगे। तिब्बा के जाने के बाद सिकागी, मुझे शक है कि कहीं यह कोई अमरीकी चाल न हो। उस आदमी के बारे में पता लगाओ कि यह कौन है जो तिब्बा के साथ आया है। ठीक है। अंगारा के ठहरने का प्रबंध बंदरगाह पर ही कर दिया गया था। रात को मैं इस टापू का भ्रमण करूंगा। रात को अंगारा बाहर निकला। ये तुम कहां जा रहे हो? समुद्र तट पर से सफेद व्हेल को देखने जा रहा हूं। उस तरफ मत जाना, वहां खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है। अंगारा उसी इलाके में घुस गया जहां जंगली जानवर रहते थे। जंगली जानवर तो मेरे दोस्त हैं। रास्ते में सिकागी नेवले ने उसे देखा। यह आदमी जंगली जानवरों वाले इलाके में जाने से नहीं डरता। इसकी परीक्षा लेता हूं। सिकागी जंगली भैंसा बन गया और उसने अंगारा पर हमला किया। ए, रुक जा, जानता नहीं मैं कौन हूं? यह तो जानवरों की बादली में बोल रहा है। यह ले, तुझे सबक सिखाई देता हूं। बड़ा ताकतवर है। तू कौन है? सच सच बता। मैं अंगारा द्वीप का प्रधानमंत्री, जानवरों का देवता अंगारा हूं। क्या इस जंगल के वासियों को अब तक खबर नहीं है? वह जिसकी गिद्ध की आंखें हैं, जिसका दिल शेर का, हाथियों का बल है, दिमाग लोमड़ी का, शरीर पर गैंडे की खाल और जिस्म गोरीले का है, जिसे सारा संसार अंगारा के नाम से जानता है। यहां क्यों आए हो? नेवले सिकागी को पकड़कर अपने बस में करना है। सिकागी गायब हो गया। ए, कहाँ गया? जंगल के जानवरों, यहां आकर जमा हो जाओ। सबको बोल दो अंगारा आया है। क्या परिंदों ने आकर किसी को नहीं बताया कि जानवरों का भी एक देवता है जिसका नाम है अंगारा? अंगारा देवता की जय हो। देवता का हमारी भूमि पर स्वागत हो। यह आने की तकलीफ क्यों की आपने? सिकागी को पकड़ना है, इसलिए तुम सबकी मदद चाहिए। सुनो। सिकागी ने तंबूरा को सब बता दिया। क्या तुम्हें पकड़ने आया है? पहले हम उसे पकड़ते हैं। सैनिकों, उसे चारों तरफ तलाश करो, तो गिरफ्तार कर लो उसे। सुबह जब अंगारा जंगल से बंदरगाह पर लौटा, खबरदार, अगर हिले तो मार दिए जाओगे। अंगारा को गिरफ्तार करके तंबूरा के सामने पेश किया गया। तो तुम सिकागी को पकड़ने आए हो? फांसी पर लटका दो इसे। अंगारा ने बंधन तोड़ डाले। अरे, इस पर तो गोले का असर नहीं होता। सिकागी, इस पर जादू चलाकर इसे बेहोश कर डालो। यह संभव नहीं। मेरा कोई भी जादू जानवरों पर काम नहीं करता, वरना मैं सफेद बैल को बेहोश न कर डालता। मगर यह जानवर कहाँ है? इंसान है। यह छह छह जानवरों का बनाया इंसान है तंबूरा। अगर तुम इसे अपनी ताकत से पराजित न कर पाए तो यह तुम्हें पराजित कर देगा। जंगल के जानवरों, धावा बोल दो। जानवरों का हमला होते ही भगदड़ मच गई। अब बोल। अंगारा ने तंबूरा को बेबस कर दिया। मेरा कसूर क्या है? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? मुझे नेवला सिकागी चाहिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु मेरी भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जब अंगारा ने सारा हाल सुनाया, जिब्रालो यहाँ हीरो के खजाने का मालिक बन जाएगा, हम सब गुलाम हो जाएंगे। सिर्फ एक सिकागी है जो हमें बचाता है। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारे द्वीप के जानवरों को होशाएगा, मैं जिब्रालो का खात्मा कर दूंगा और सिकागी को भी आजाद कर दूंगा। क्या ख्याल है सिकागी? कोई अर्ज नहीं, मैं अंगारा के साथ जाने को तैयार हूं।
लेकिन लौटोगे किस तरह उसकी तुम फिक्र मत करो। समुद्र तट पर आते ही मछलियों मेरा संदेश सफेद वेल तक पहुंचा दो, कह दो अंगारा को उसकी मदद चाहिए। क्या मछलियां भी तुम्हारा हुक्म मानती है? हाँ, सफेद वेल जहां भी होगी यहां आएगी। कुछ ही देर बाद सलाम अंगारा देवता, सलाम। सुनो सफेद वेल, तुम मुझे समुन्द्र मार्ग से अंगारा द्वीप पहुंचा दो और फिर कभी इस टापू पर टकरे मत मारना। जो हुक्म देवता। यह तो शिकागी से भी बड़ा जादूगर निकला। शीघ्र अंगारा अपने द्वीप पहुंचा। जिब्रालो, देख मैंने वादा पूरा किया, यह रहा शिकागी। हा, अब मैं संसार का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। लाओ यह वह नेवला। नहीं, पहले अपना वादा पूरा करो। जिब्रालो ने अंगारा को एक बूटी दी। इसे सब को सुंघाते जाओ, उन्हें वो सा जाएगा। क्या हो गया था मुझे? ओ, मुझे वह नेवला दे दो, अब मैं चलता हूं अंगारा। अरे जाएगा कहां बानू से बच के? बानू ने जिब्रालो को दबोच लिया और आह, जिब्रालो का खात्मा हो गया। सुजुकी, इसे सब को सुंघाते जाओ, अब जिब्रालो का खेल खत्म। जल्दी अंगारा देवता जिंदाबाद। अब मुझे वापस सराटो टापू पर पहुंचा दो अवश्य। मैं कितने वक्त तक बेहोश रहा बॉस? मत पूछ जटायु, सब के सब बेहोश हो गए थे। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगली कॉमिक्स अंगारा की, अंगारा और पिशाच। कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, अंगारा और पिशाच में।